सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑनबोर्डिंग। और फ्रेंड्स मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था इंट्रोडक्शन एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ जीयूआई। इट मींस मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन बताया था ग्राफिकल इंटरफेस का, एप्लीकेशन बताई थी और यूजेस भी बताए थे हमने अपने जीयूआई के। और फ्रेंड्स मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को ये भी बताया था कि मैं कौन से मॉडल में स्टार्ट करने वाला हूं, और मैंने वहां पर सारे मॉडल्स का इंट्रोडक्शन भी दिया था। काफी सारे मॉडल्स थे मैंने वहां पर लिस्ट करके रखे थे, मैंने कम से कम 10 से 15 मॉडल का आप लोगों को अच्छा इंट्रोडक्शन दिया था, जिससे कि आप लोगों को पता चल जाए कि हम लोग जीयूआई के लिए कौन सा मॉडल परफेक्ट बैठेगा और किसमें हम लोगों को प्रोग्रामिंग करनी है जीयूआई की। सो फ्रेंड्स मैंने वहाँ से एक मॉडल सेलेक्ट किया था जिसका नेम था, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, PyQt5। और मैंने आप लोगों से कहा था उसके बारे में इंट्रोडक्शन लेकर रखना, और मैंने आप लोगों को वहाँ पर छोटा मोटा इंट्रोडक्शन देकर भी गया था उस वीडियो में। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अपने PyQt5 का इंस्टॉलेशन, कि हम लोग कैसे उसे इंस्टॉल करें, और हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें देखने वाले हैं अपने PyQt5 के बारे में। सो फ्रेंड्स चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और फ्रेंड जैसे कि आप लोगों ने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने वहाँ पर पूरा के पूरा थ्योरेटिकल चीज़ें बताई थी, मैंने वहाँ पर कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं कराया था। और जो आज की वीडियो होने वाली है फ्रेंड्स वो बिल्कुल ही हमारी प्रैक्टिकल होने वाली है। इस वीडियो में आप लोगों कुछ भी थ्योरेटिकल बताने वाला नहीं हूं, मैं आज की वीडियो में सारी चीज़ें प्रैक्टिकल रखने वाला हूं। सो बेसिकली जो आज हम लोग एक चीज़ सीखेंगे वो हम लोग सीखेंगे बेसिक ऑपरेटिंग को, यानी कि आज की वीडियो हम लोग देखेंगे सबसे पहले इंस्टॉलेशन। हम लोग इंस्टॉलेशन करेंगे अपने PyQt5 का, कहाँ पर करेंगे फ्रेंड्स? हम लोग का पहला कोड एडिटर है जिसका नाम है हम लोग VS Code। सो हम लोग VS Code स्टूडियो में अपना क्या करने वाले हैं, अपने PyQt5 को इंस्टॉल करेंगे, और कैसे करेंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा आज की इस वीडियो में। सो बेसिकली हम लोग सबसे पहले देखेंगे अपना इंस्टॉलेशन VS Code पे हम लोग कैसे करते हैं अपने PyQt5 का इंस्टॉलेशन, फिर हम लोग उसके बाद बढ़ेंगे अपने बेसिक्स करा, यानी कि हम लोग अपने बेसिक सीखेंगे अपने PyQt5 का। सो फ्रेंड्स चलिए फिर ले चलता हूं मैं सीधे आप लोगों को अपने VS Code स्टूडियो पर, जहां पर मैंने एक फोल्डर बनाकर रखा है जिसका नाम है PyQt5। सो फ्रेंड्स मैं यहां पे आ चुका हूं अपने VS Code स्टूडियो पर, मैंने यहां पर एक फोल्डर बनाया जिसका नेम रखा है मैंने PyQt5। सो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे अपने PyQt5 को इंस्टॉल करेंगे। सो मैं यहां पर टर्मिनल पर आता हूं, न्यू टर्मिनल पर क्लिक करता हूं, और यहां पर मैं क्या लिखूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा अपना pip install PyQt5। मैंने ये लिखा, एंटर प्रेस किया। अगर आपके लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं होगा तो इंस्टॉल हो जाएगा, और अगर होगा तो ये बोल देगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। सो मेरे में लिख के आ रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसे इंस्टॉल कर चुका हूं। सो आप लोगों को सिर्फ यही कमांड लिखना है pip install PyQt5, और आप लोगों का PyQt5 इंस्टॉल हो जाएगा। चलिए सो फ्रेंड्स अब मैं क्या करने वाला, एक फाइल बनाता हूं जिसको मैं नेम लिखूंगा tutorial1.py। वैसे तो फ्रेंड्स जो भी मैं यहाँ पर कोड कराता हूँ वो मैं अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देता हूँ ब्लॉग के फॉर्म में। अगर आप लोग नहीं देखी मेरी वेबसाइट तो आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, मेरी वेबसाइट का नाम है darawalcoding.com। तो फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो का भी कोड मेरे ब्लॉग सेक्शन मिल जाएगा, मेरी वेबसाइट के ब्लॉग सेक्शन में, तो आप लोग वहाँ पर जाइए और आप लोग वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं करने के वाला एक मॉडल को इंपोर्ट कराता हूँ जिसका नेम होगा सिस। सबसे पहले हमारा मॉडल होगा वो होगा सिस, जिसे हम लोग इंपोर्ट कराने वाले हैं। सो फ्रेंड बेसिकली जो हमारा सिस मॉडल होता है वो क्या करता है, कैप्चर करता है कमांड लाइन आर्गुमेंट्स, जो हमारी फाइल में होते हैं पाइथन फाइल में, उनके जो कमांड्स होते हैं उनको कैप्चर करता है। आगे हम लोग देखते हैं अपने दूसरे मॉडल से। दूसरे मॉडल फ्रेंड्स हम लोग का होना है फ्रॉम PyQt5, आप लोगों को PyQt5 को इंस्टॉल कराना है फ्रॉम PyQt5.qt। जैसा मैं लिख रहा हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को भी बिल्कुल वैसे लिखना है, क्योंकि ये चीज़ जो है वो थोड़ी समझ के बाहर होती है, तो आप इसे लर्न कर लीजिए, या फिर जैसा मैं लिख रहा हूँ आप लोग बिल्कुल वैसे ही लिखिए। PyQt5 के बाद लिखा मैंने .bitget, फिर मैंने लिखा इम्पोर्ट मॉड्यूल फ्रॉम, लिखना है फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर फॉर्म लिख दिया, सॉरी मेरी मिस्टेक है, फ्रॉम PyQt5.widget इम्पोर्ट मॉड्यूल। मुझे कौन सा मॉड्यूल इम्पोर्ट कराना है, सबसे पहले मैं कराऊंगा क्यू एप्लीकेशन एप्लीकेशन फ्रेंड्स हमारे इंपोर्ट हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे क्यू लेवल क्या करेगा फ्रेंड्स, लेवल देता है, तो मैंने लेवल भी करा लिया। नेक्स्ट आएगा हमारा क्यू विड जेट। ओके सो फ्रेंड्स हमारे इतने मॉडल्स हो गए। सबसे पहले आप लोगों का कराना है इंपोर्ट कराना है इस मॉडल का, जो कि बेसिकली कमांड लाइन आर्गुमेंट को फॉलो करता है हमारे। नेक्स्ट हम लोग क्या कराना है, हम लोग कराना है उसके बाद PyQt5.widget इंपोर्ट क्यू एप्लीकेशन क्यू लेवल और क्यू विडजेट, यानी कि आप लोगों को इतने सारे मॉडल को इंपोर्ट करा लेना है। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन आएंगे जिसका मैं नेम लिखूंगा def main लिखा मैंने। डैफ में लिखने के बाद फ्रेंड्स मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कोलन लगाता हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स बिल्कुल बेसिक लेके चल रहा हूँ आज की वीडियो, तो फ्रेंड्स रहेगी हम लोग बिल्कुल बेसिक रहने वाले। सो अगर आप लोगों को लगता है कि ये इस टाइप से नहीं होता है भैया, अलग टाइप से होता है क्लासेस वगैरह बनाकर, तो मैं बेसिक लेकर चल रहा हूँ, इस वजह से आप लोगों को थोड़ा ही सरल तरीके समझा रहा हूँ, लेकिन मैं क्लासेस वगैरह बनाकर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी अगले नेक्स्ट वीडियो से कराना स्टार्ट करूंगा। सो आप लोग बिल्कुल बने रहिए। सो करने के वाला मैंने अपना एक फंक्शन बनाया जिसका मैंने नेम लिखा है डैफ मेन। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लेता हूँ अपना ऐप, मैंने मान लिया कि हमारा जो एप्लीकेशन है उसको हम लोग ऐप बुलाते हैं। मैंने फिर उसमें दिया QAPPLIKAICATION एप्लीकेशन के बाद मैंने क्या किया SYS.ARJB इतना हम लोग लिखा, बाहर आता हूँ अब मैं यहाँ से बाहर भी आ चुका हूँ। देखिए फ्रेंड इस लाइन का मतलब क्या है, ये बेसिकली एक इंस्टेंट क्रिएट करता है हमारे क्यू एप्लीकेशन का, ठीक है। सो आप लोगों को ये लाइन थोड़ा लर्न करनी होगी फ्रेंड्स, क्योंकि जो चीज़ें होती हैं हमारे मॉडल से वो हम लोग को कुछ चीज़ समझ के बाहर होती हैं और कुछ चीज़ें हम लोग समझ सकते हैं। अब मैं इसके बाद जो कोड लूंगा फ्रेंड्स वो हमारे बिल्कुल ही समझ के अंदर रहेगा और हम लोग इसे समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स क्या करना है, अब हम लोग बनाते हैं एक विंडो, विन भी रख सकते हैं आप लोग जो नाम रखें, आप लोग यहाँ पर वो नाम रखिए, मैंने यहाँ पर विंडो ले लिया है। अब हम लिखेंगे फ्रेंड्स QWIDGET क्यू विडजेट लिखा मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स, हम लोग फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं डब्ल्यू विडजेट का विद ऑल वी और मेन विंडो। तो फ्रेंड्स हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है अपनी मेन विंडो का यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने अपने क्या कर लिया, एक मेन विंडो ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लिया है। अब हम लोग क्या करने, लेबलिंग करने वाले हैं। अब हम लोग कुछ टेक्स्ट लिखेंगे अपनी विंडो में। सो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ QLAPEL, लेबल का मतलब फ्रेंड्स वही होता है लेबलिंग करना, कुछ लिखना, यहाँ पे कुछ
हमारे टेक्स्ट वगैरह डालना अपनी विंडो में। तो मैंने लेवल लिखा है, लेवल मैंने लिखने वाला हूँ टी एच ई आर ओ वाई ए आर सी ओ डी एन जी, मैंने रोल कोडिंग लिखा है। और फ्रेंड्स हम लोग किसमें डालना है, हम लोग डालना है अपनी विंडो में। सो हमने यहाँ पे विंडो डाल देंगे अपनी। फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इतना समझ में आया। सबसे पहले हम लोग क्या किया, एक ऐप बनाया, यानी कि हम लोगों ने क्या किया, एक इंस्टेंस बनाया अपने क्यू एप्लीकेशन का। उस इंस्टेंस को बनाने का फ्रेंड्स हम लोग क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया अपने मेन विंडो का। मेन विंडो का हमने ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लिया, उस पर हमने सिंपली क्या किया, लेबलिंग डाली। लेबलिंग कहां से करेगा दरअसल कोडिंग, मैं आप लोगों को बताता हूं। उसके बाद फ्रेंड्स मैं करने के वाला इस लेवल को मूव करूंगा थोड़ा सा। तो हम लोग लिखना है लेवल डॉट मूव, यानी कि अपनी जो स्क्रीन आएगी हमारी, हमने इसमें मान ली हमारी छोटी सी स्क्रीन आने वाली है, उस स्क्रीन में आप लोग कहां ये टेक्स्ट दिखाना है। सो बेसिकली करने वाला हूं यहां पर, मैं लिखूंगा, मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ यहाँ पर 50, 50 मैंने डाल दिया, यानी कि x से 50 और y से 50। सॉरी ये लिखा नहीं फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर नंबर लॉक बंद कर दिया था मैंने, अब से खोला है 50, 30। ओके इतना हो गया हम लोगों का। यानी कि इसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स, हम लोग का जो x से 50 चलेगा और y से कितना चलेगा, हम लोग का 30 चलेगा। सो आप लोग इतना देख लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स करने के वाला हूँ मैं, यहाँ पे सीधे आऊंगा नीचे और यहाँ पर मैं करने के वाला हूँ एक अपनी विंडो का टाइटल सेट करने वाला हूँ। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा विंडो, जो यहाँ पर आपने ऊपर फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट बनाते हैं आप लोग उसी नेम से फिर चलना है। सो मैंने यहाँ पर लिखा है विंडो डॉट सेट विंडो टाइटल। बहुत ही छोटे छोटे इसमें फ्रेंड्स फंक्शन होते हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे नेम होते हैं, बहुत ही फैमिलियर नेम होते हैं फ्रेंड्स इन लोगों के। उसके बाद मैं क्या लूंगा, इसमें अपना वो डाल दूंगा जो मुझे टाइटल डालना होगा। तो मैं यहाँ पर टाइटल डाल देता हूँ TRC, मैंने यहाँ पर टाइटल डाल दिया। टाइटल डालने के बाद मैं बाहर आता हूँ नीचे आता हूँ। अब फ्रेंड्स मैं क्या करूँगा, इसमें अपने ज्योमेट्री सेट करने वाला हूँ इस विंडो में। मैं लिखूँ विंडो, मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया था, मैं बाहर बता रहा हूँ इसीलिए मैं यहाँ पर विंडो लेकर चल रहा हूँ। विंडो डॉट सेट ज्योमेट्री GEOMETR, सेट ज्योमेट्री कर लिया हम लोगों ने। सेट ज्योमेट्री करने वाला अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पर अपनी ज्योमेट्री डालूंगा। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग डालेंगे एक्स लेंथ, फिर हम लोग बाइट डालेंगे, फिर हम लोग हाइट डालेंगे, फिर विड्थ डालेंगे अपनी विंडो की। सो फ्रेंड्स यहाँ पर बेसिकली 500 ले लेता हूँ सब जगह की हाइट, एक्स वाई विथ हो गई हम लोग और हाइट हो गई। ओके एक मिनट, 0 0। ओके सो ये हम लोग एक्स हाइट हो गई, वाई हाइट हो गई और हम लोग विथ हो गई और हाइट हो गई। अब फ्रेंड्स हम लोग क्या करने वाले हैं, अपनी विंडो डॉट्स लिखेंगे जिसकी हेल्प से हम लोग अपनी विंडो को देख पाएंगे। हम लोग इसके हेल्प से, इस वाले फंक्शन की हेल्प से हम अपनी विंडो को डिस्प्ले कर सकते हैं। सो बाहर आते हैं और लास्ट जो हम लोग चीज लिखना है वो फ्रेंड्स हम लोग लिखना है एस वाई एस डॉट एग्जिट EXIT लिखना है हम लोग को। सॉरी नीचे आता हूँ, एग्जिट लिखने के बाद फ्रेंड्स आप लोग करने क्या है, आप लोग इसमें लिखना है app.exec, आप लोग ये लिखना है और आप लोग यहाँ पर अंडरस्कोर लगाना है और आप लोग यहाँ पर लगाना है ब्रेसेस। उसके बाद फ्रेंड्स करना क्या है, आप लोग बाहर आना है। ये फ्रेंड्स करता क्या है मैं आप लोग बताता हूँ। ये वाली जो हमने लाइन लिखी है sys.exit app.exec_braces, इसका फ्रेंड्स करना क्या होता है, ये हमारे लूप को स्टार्ट करता है। बेसिकली फ्रेंड्स होता है क्या, जब भी हम अपने कोई जियो एप्लीकेशन रन करते हैं तो फ्रेंड्स वो हमारे क्या होता है, एक लूप में चलती है। उसमें बहुत सारे इवेंट्स हैंडल होते हैं। इवेंट हमारे जैसे कि मैंने यहाँ पर कंप्यूटर के हेल्प से प्रेस किया V, तो हमारे क्या हुआ, एक इवेंट हुआ। हमने यहाँ पर ऐसे माउस कर्सर को हिलाया, तो हमारे क्या है, एक इवेंट है। सो हमारे जो इवेंट्स होते हैं, इवेंट लूप के फॉर्म में हमारे जो भी विंडो होती है वो चलती है हमारे जियो विंडोज। सो इसी वजह से मैंने क्या किया, sys.exit app.exec, और हमने ब्रेसेस लगाया है। इसकी हेल्प से हम लोग अपने एग्जीक्यूट करेंगे एप्लीकेशन के इवेंट लूप को। नीचे आते हैं और हम लोग को लिखना है इफ underscore जो हम लोग की मेन चीज होती है, underscore name equals to हमारे किसके underscore यहाँ पर हम लोग लिखना है main के, अगर underscore equals है तो हम लोग क्या करना है कि हमारी जो मेन फंक्शन है उसे कॉल लगा दो। ओके सो इतना कोड हो गया फ्रेंड्स हमारा। अब हम देखते हैं कि हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या किया, लेबलिंग की है अपने डबल कोडिंग, और हमने सबसे बड़ी चीज यहाँ पर की है कि हमने यहाँ पर अपनी विंडो को टाइटल दिया है। अब हम इसे रन कराते हैं, कंट्रोल ऑल्ट एन, मैंने रन कराया यहाँ पर। तो मुझे एक एरर मिल रहा है, नो मॉड्यूल नेम PyQT5, और हम लोग को एक छोटा सा एरर मिल रहा है। चलिए मैं समझ गया हूँ फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पर क्या करना था, क्यू की जो स्पेलिंग है, मतलब यानी हम लोग को थोड़ा कैपिटल का ध्यान रखना था, मैंने यहाँ पर स्मॉल बना दी चीजें। अब मैं रन कर लेता हूँ, शायद मैं रन हो जाए। तो फ्रेंड्स अब मुझे दूसरा एरर मिल रहा है, मुझे मिल रहा है विंडो डॉट सेट विंडो टाइटल, मुझे यहाँ पर एक छोटा सा एरर यहाँ पर भी मिल रहा है। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर डब्ल्यू बनाया विंडो को, वो मैंने स्मॉल बना दिया। अब मैं रन कराता हूँ और हम लोग की प्रोग्राम रन हो जाएगा बिल्कुल तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं ये जो स्क्रीन है बिल्कुल ओवर के बाहर आ चुकी है, और यहाँ पर मैंने जो टाइटल दिया था वो टाइटल मेरा यहाँ पर दिख रहा है, और जो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर लेबलिंग दी थी डबल कोडिंग, वो भी हमारी डबल कोडिंग लेबलिंग दिख रही है। अब इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, इसको मैं छोटा सा करता हूँ, एक मिनट बड़ा करता हूँ, सबसे पहले इसको मिनिमाइज करता हूँ। दोबारा रन कराया मैंने अपनी विंडो को, इसको पहले क्लोज करना होगा। सो मैं पहले से क्लोज करता हूँ, अब मैं रन कराता हूँ विंडो को, फिर मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स देखिए जो हमारी विंडो आ गई है दोबारा से। सो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा था एक्स से हम लोग कितना चलना है, हम लोग चलना है 50, हम लोग को जो बाइस चलना है वो चलना है 30 डिग्री। और आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स जो आप लोग विंडो दिख रही है वो पूरी आप लोग स्क्वायर शेप में दिख रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पर सारी की सारी डायमेंशन 500 दी, यानी सारी लेंथ इक्वल है। सो फ्रेंड्स इसी वजह से हम लोग को क्या दिख रही है, स्क्वायर फॉर्म में दिख रही है। यहाँ पर मैं जैसे कि नेम डाल देता हूँ किसी का भी, तो आप लोग देख सकते हैं वो नेम यहाँ पर अपीयर होकर आ जाएगा। जैसे मैं डालता हूँ यहाँ पर विशेष नामदेव डाला मैंने, आई स्मॉल बनाता हूँ, अब मैं रन कराता हूँ, तो देख सकते हैं आप लोग मेरा नाम यहाँ पर प्रिंट होकर आ चुका है, विशेष नामदेव। तो ये भी एक बड़ी चीज हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा लेवल चेंज करके एक बार आप लोगों को दिखाते हैं, और थोड़ा मूविंग इसकी चेंज कर देते हैं। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 100, मैंने यहाँ पर डाला 100, और मैंने यहाँ पर डाल दिया है जैसे कि मैं डाल देता हूँ यहाँ पर 580, सॉरी ज्यादा हो गया, अब डाल देता हूँ। चलिए अब रन कराया मैंने यहाँ पर, सो देख सकते हैं मेरा नेम कहाँ पहुंच जाएगा, मेरा नेम तो मुझे दिख ही नहीं रहा है छोटी सी विंडो में।
ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा नेम आ चुका है। तो फ्रेंड्स मैंने क्या किया वहाँ पर 22 मैंने बहुत नीचे कर दिया और एक्स मैंने क्या किया सिर्फ 100 किया था तो यहाँ पर ही रह गया वो। तो फ्रेंड्स आप लोग इस टाइप से मूविंग कर सकते हैं, लेवलिंग डाल सकते हैं और आप लोग यहाँ पर विंडो का टाइटल सेट कर सकते हैं, विंडो की ज्योमेट्री सेट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स जो हमारी आगे वीडियो रहेगी, जो भी मेरी आगे वीडियो आएगी उसमें मैं आप लोग बटन वगैरह बनाना सिखाऊंगा, मैं आप लोग बटन फंक्शन डालना सिखाऊंगा। सो बहुत चीजें अभी आप लोग के लिए फ्रेंड्स बाकी हैं, आप लोगों को बहुत चीजें अभी सीखना है ब्यूटी फाइव में। सो आप लोग बने रहिए इस प्लेलिस्ट के साथ। सो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स आज हमने बहुत सा बेसिक सीख लिया अपने बाइक ब्यूटी फाइव के बारे में और अगले वीडियो हम थोड़ा एडवांस की तरफ जाएंगे। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेट्स कोड।